सभी भाइयों को नमस्कार, सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल रमेश जवाना डेयरी फार्म पर। जितने भाई Facebook पे हैं, WhatsApp पे हैं, वीडियो को शेयर करें, और जितने भाई वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो पास में लगा घंटी का बटन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सभी भाइयों को मिलता रहे। आज की वीडियो कवर करी है गाँव सिरदा से और ज़िला कैथल से। बहुत ही बढ़िया जोटी आज इस भाई ने दिखाई है, बहुत ही शानदार जोटी। अगर इसकी हाइट देखोगे ना, काफ़ी ज़्यादा हाइट की, और जो पोजीशन है अर्डर की बहुत ही शानदार है। भाई से डिटेल में बातें करेंगे। राम राम भाई साहब। राम राम रमेश भाई। राम राम भाई साहब, और क्या डिटेल है भाई साहब जोटी की, कौन से ब्यांत में है, और आप लेके आए हो या फिर आपने फार्म पे तैयार करी है? मैं बाकड़ी लेके आया रमेश भाई। अच्छा जी। इसका बढ़िया रिजल्ट रहा है। अच्छा जी। बाकड़ी जिस टाइम अपन लेके आए थे 14 किलो दूध था भाई साहब। थोड़ा ऊंचा बोलो, 14 लीटर दूध था बाकड़ी लेके आए तब। 14 किलो दूध था इसका जिस टाइम अपन बाकड़ी लेके आए थे। हाँ जी। और ये दूसरे ब्यांत में भी आई हुई है। हाँ। ब्यांत में इसने 18 किलो दूध निकाला हुआ है। 18 लीटर फर्स्ट ब्यांत में निकाल लिया इसने। ठीक ठीक। और देखें जैसे भाई ने बताया, भाई फर्स्ट ब्यांत में 18 लीटर दूध, अगर अर्डर क्वालिटी आप देखा तो बहुत ही बढ़िया। ये देखें बिल्कुल जो नाभी है, ये देखें सभी भाई, बिल्कुल उस तक अर्डर गया। ये देखें और स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, ले ले थोड़ा आगे ले ले। और पुट्ठा देखें, बहुत ही खड़े फूटे की है, बहुत ही शानदार जोटी और बिल्कुल शांत स्वभाव की है। अभी थोड़ी सी ताज़ी भी आई है जोटी, इसीलिए थोड़ा हा इधर उधर ज़्यादा फिर रही है। बच्चे की मारी, अंदर जाने की मारी। बच्चा क्या है भाई नीचे? नीचे मेल काफ है। फीमेल काफ है। नीचे फीमेल काफ है क्योंकि एक कटड़ी को जन्म दिया। इसी साइड में रखे भाई, इसी साइड में, और गाड़ में ले चल, साइड में ले चल। और टिक्का किया भाई कोई? पता नहीं भाई साहब, पीछे से ही प्रेग्नेंट आई थी इस बात का पता है। अच्छा, इसी साइड में ले जा, इसी में ले जा। और जैसे भाई ने बताया भाई पीछे से प्रेग्नेंट आई थी, 14 लीटर दूध था जब, कितने महीने की ज्ञापन थी भाई ये? उस टाइम भाई साहब 3 महीने की अपन थी जिस टाइम अपन लेके आए थे 14 किलो दूध में। अच्छा जी। हाँ। ठीक ठीक, बहुत ही बढ़िया दूध निकाला जो टीने। थोड़ा टेल दिखाएंगे, बिल्कुल जेड ब्लैक है और बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब की अर्डर क्वालिटी बनाई। ये देखें स्पेस बहुत ज़्यादा है और बिल्कुल पतली चमड़ी की। जितने भी इसके फार्म पे पशु खड़े हैं बहुत ही शानदार, और मैं तो ये कहूँगा इस भाई ने बहुत ही गजब का फार्म बनाया है। इसके अंदर क्योंकि काफ़ी भैंसें रखी हैं, बहुत ही बढ़िया। और खेतों में इस भाई का फार्म है, कौन सा सड़क लगा भाई अपना? ये भाई साहब ये पुंडरी राजोंद वाली सड़क से लेके कोटड़ा वाली सड़क है जो। हाँ हाँ। उसके ऊपर फार्म है अपना, उसके ऊपर ही फार्म है। ठीक ठीक, क्योंकि पहले भी इस भाई की गांव में जब इसका फार्म था, काफ़ी वीडियो इस भाई की आती रही हैं और काफ़ी शानदार वीडियो इस भाई की आई, क्योंकि एक अच्छा पशुधन इसने रखा और आज एक मुकाम बहुत ही बढ़िया हासिल किया। क्योंकि खेत में आके ये देखें, थोड़ा सा दिखाऊंगा, बहुत ही बढ़िया फार्म इसने बनाया। और फार्म थोड़ा अंदर से भी कैमरा मार के दिखाऊंगा। ये देखें, ये होता है एक अच्छा काम करना। मुर्रा पे काफ़ी अच्छा इस भाई ने काम करके दिखाया। कब से काम कर रहे हैं भाई साहब, कितने दिन से काम आपने किया? रमेश भाई अपन 3 साल के करीब काम करते हुए हो गए हैं। अच्छा भाई साहब, पहले 1-2 पशु रखते थे, अब हाँ हाँ, तो ज्यादा सेल के भी रखते हैं, घर पे भी रखते हैं। हाँ ठीक है बात। हाँ। यानी कि काफी अच्छा काम किया। पढ़े कितने भाई साहब, आप कहाँ लग पढ़े? प्लस 2 की हुई है भाई रमेश। ठीक ठीक, ये देखें भाई ने प्लस 2 की और काफी अच्छा काम करके दिखाया। ये देखें बहुत ही बढ़िया पसाल निकाले है। धार कैसी निकली भाई? बिल्कुल फोकी दार है भाई साहब, बिल्कुल बढ़िया मोटीदार मोटीदार है। थोड़ा सींग दिखा दें एक बार, थोड़ा सा फेस दिखाएं। ये देखें बहुत ही बढ़िया फेस की और रिंग सींग है। मैं ये कहूँगा काफ़ी अच्छे दूध की है। जो चमड़ी है जो टिकी ये बता दे है, बिल्कुल पतली चमड़ी की और पूरी पूरी तैयारी की है इस भाई ने, क्योंकि ज़्यादा चर्बी चढ़ जाए जिस डांगर पर, वो डांगर इतना दूध भी नहीं निकालता जो कूल्ले छूट जाएँ, वो चर्बी अपनी बनाता रहा, दूध नहीं निकालेगा। ये जो टी ऐसी पोजीशन पे है, काफ़ी अच्छा दूध निकाल लेगी, ना तो ज़्यादा तैयारी की भाई ने, बिल्कुल नॉर्मल तैयारी करके तैयार किया ऐसा भाई। हाँ, तेल ताल दिया कुछ आपने सिस्टम कुछ? नहीं भाई सब कुछ नाम मात्र, बैस बैस ज़्यादा नहीं है कुछ भी। अच्छा अच्छा, ज़्यादा कुछ नहीं डाल लिया। हाँ। ले चलें भाई अंदर ले चलें। और थोड़ा सा सड़क है जो मेन इसका लगा गाँव की तरफ से आएगी, ये थोड़ा सा दिखा दूँ। और बहुत ही बढ़िया इस भाई ने काम किया, मैं तो ये कहूँगा इस युवा लड़का ने इतना बढ़िया फार्म बनाया है, बहुत ही गजब का, और गजब गजब की जो बिजनेस में रखी है, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया बढ़िया। और हरियाणा तो एक मुर्रा की खैन है,
इसमें जैसे बहुत ही बढ़िया जो टी निकल कर कैमरे के सामने आ रही हैं, और इन भाइयों का धन्यवाद करेंगे जिसने ऐसी ऐसी मुर्रा अपने फार्म पर रखी हैं और तैयार की हैं। और जिस भाई ने बात करनी है इस भाई का नंबर स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगा, कमेंट में ज़रूर बताएं आपको ये जो टी कैसी लगी। आशा करूँगा सभी भाइयों को ये वीडियो पसंद आएगी। आखिर तक वीडियो देखने वाले भाइयों का धन्यवाद।